अस्सलामुअलैकुम ख्वातिन हज़रात, शरीफ शो में आपको खुशामदीद। आप लोग भी कह सकते हैं खुशामदीद, खुशामदीद वल्ला खुशामदीद। वो हसीन व दिलकश चेहरा अब्बर जमान अलवा मासूम अलवा अवामुल गरीब अल मसरूर वल शादमान मा खुश अल्हम्दुलिल्लाह अल कुल पाकिस्तानी पुरसकून अल मुमलिकत इस्लामिया। अल्लाह तबारक व तआला व रहम करम फरमाए पाकिस्तानी आवाम पर। अल्लाह रहम। औरतों के हुकूक, मर्दों के हुकूक, और फिर एक और सिस्टम है उनके हुकूक। हर आदमी अपने हक मांग रहा है, हक मेरा हक मेरा हक। मजदूर कह रहा है मेरा हक, सेठ कह रहा मेरा हक, डाकू कह रहा मेरा हक, पुलिस कह रही है हमारा हक, फकीर कह रहे बाबा मेरा हक। हर आदमी मांग रहा है क्या हक। घर में जाओ, बीवी बैठी हुई है, दोनों तरफ बाम लगाई हुई, सर पे मलमल का कस के दुपट्टा बांधे हुए। मैंने कहा हशमत क्या अबू मेरा हक, हक। फिर कोई गर्लफ्रेंड, वो उसका स्टाइल अलग होगा, एक्सक्यूज मी वेयर इज माय हक। तो फिर ये सारे हकूक जब मिलते हैं तो लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट्स, वेयर इज माय राइट्स। तो आप अपने हकूक की बात तो करते हैं, लेकिन हम कहीं देखते हैं कि हमसे कहीं हमारे जो अपने हकूक है उनसे हक तलफी तो नहीं हो रही। ख़वातीन कहती हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मर्द कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ख़वातीन अदालतों में पहुंच जाती हैं, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए, जालिम है, कोड़े मारता है, हंटर मारता है, मुझे कत्ल करने की धमकी देता है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे हक मेहर भी चाहिए, मुझे मेरा पहला सामान भी चाहिए, मुझे जेवरात भी चाहिए, मुझे सारा कुछ वापस चाहिए। बेचारी औरतें मजलूम हैं और मजलूम ही रहेंगी, लेकिन मर्द की मजलूमियत को कोई नहीं देखता, क्योंकि वो मर्द है, एक ताकतवर, एक जाबर, एक रहम दिल, एक बाप, एक शौहर, एक नौकर, एक ताबेदार, एक मालशिया, हैं जी, एक डाकू, एक एक्टर, एक डांसर, यही मर्द है ना बेचारा, एक दर्जी, ठगड़ा ठगड़ा ठगड़ा, एक मर्द है। जो मर्द जो भी काम कर रहा है, दर्जी काम कर रहा है, औरतों के कपड़े सी रहा है, अपने कपड़े फटे में है कि नहीं, ज्यूलर आंखों में मोतिया की जगह पे गुलाब निकल आया, फिर भी वो रातों को बैठा हुआ जेवर बना रहा है, किसके लिए, औरतों के लिए। मर्द थोड़ी पहनते जेवर, औरतों के लिए टांके लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा, डिजाइन बना रहा है, ठीक है, मेकअप सीख रहे हैं मर्द औरतों के लिए, उनके उनके मुंह सही करने के लिए, ठीक है, कपड़ों के डिजाइन बना रहे हैं डिजाइनर्स औरतों के लिए, जूतियों वाले जूती बना रहे हैं, बाजी 11 नंबर की पहन, बाजी ये 6 नंबर देखें, बाजी नई आई है, औरतों के लिए, ठीक है, हर चीज औरतों के लिए मर्द तैयार कर रहे हैं। और बेचारे बाज मर्द घरों में पिट भी रहे हैं, बाहर आके कह नहीं सकते क्योंकि मर्द है, तो उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेशन हो रही है, उनके साथ भी घरेलू तशद्दुद हो रहा है, कह नहीं सकते क्योंकि वो मर्द हैं। अब मर्द मजलूम है या औरतें मजलूम है, हमारे आज के दोनों मेहमान अपने अपने हुकूक की बात करने वाले हैं, लेकिन मजलूम तो हम भी हैं कि कोई भी बात हो हमें एक ही बात करनी है, और वो है कमर्शियल, कमर्शियल, हम कमर्शियल लोग हैं। ख्वातीन हज़रात, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट इश्तहार दे दे के थक गई है कि वक्फा बहुत ज़रूरी है, अगर हम वक्फे कर रहे होते तो आज हम आटे, बिजली, चावल, गेहूं, पेट्रोल के हाथों तंग ना होते। तो मैं चाहता हूँ कि एक वक्फा ले ले ताकि चीज़ें आपको आसानी से मिले। लेते हैं छोटा सा वक्फा। Wow!
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। और हम जो आपको बता कर गए कि हम जिस मेहमान को बुला रहे हैं उनकी शख्सियत में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे हुकूमत सिंध में बहुत सारे अहदों पे काम किया, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में रहे, एडवाइज़र रहे, स्टिल ही इज एडवाइज़र, और ये इस वक्त जो है पॉलिटिकल इवेंट्स को देख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनकी ऑब्जर्वेशन है सियासत में, और बहुत सी वाबस्तगियाँ रही हैं, और बहुत सारे मामलात में ये एक तरीके से बड़े बुलंद आवाज़ में ऐवानों में बोलते रहे हैं, और सिस्टम के ख़िलाफ़ भी बोलते रहे हैं कि जो चीज़ गलत है ये हमेशा बोलते हैं। ख़ातून हज़रात, ऐसे लोग जो बोलते हैं असम्बलीज में जाकर के आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, वही असल में आवाम के नुमाइंदे होते हैं। अपनी बहुत सारी मोहब्बत भरी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, तशरीफ लाएंगे जनाब इम्तियाज शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या है? सर खुश आमदीद शरीफ शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें दावत दी आज। नहीं सर, शर्फाओं को हम इस शो में ज़रूर बुलाते हैं। बस फिर आपकी भी मेहरबानी, आप हमें शरीफ समझते हैं। अच्छा समझते हैं, गलत तो नहीं समझते? नहीं बिल्कुल सही समझते हैं। सही समझते हैं सर, हम तो आपको अपना भाई समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, अपने मुल्क का एक ऐसा अहम इंसान समझते हैं जो कौम और मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं। लोग आजकल आप गवर्नमेंट सिंध में एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर साहब के जी, और क्या देख रहे हैं, कौन से पोलिटिकल साइड पे हूँ जी, और हम और आप पुराने साथी भी हैं, आप भी काबीना का हिस्सा थे जब पिछली गवर्नमेंट में मैं भी मिनिस्टर था जी जी, तो हमारी आपकी पुरानी रफाकत मुलाकात रही जी। हाँ सर, बड़ा बहुत अच्छा वक्त रहा। मकसद कहने का यह है कि इस वक्त आप पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं, सिंध की पॉलिटिक्स को, क्या इसमें कोई मेजर तब्दीली आने वाली है? हम जो लोग इतनी बातें करते हैं, हमारे सारे सियासतदान सब लोग बातें करते हैं, कौम को नसीहतें करते हैं, जिस बड़े लीडर से सुनो वो कहता है एक हो जाओ जब तक कौम में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक कौम एक नहीं होगी, मगर पार्टियों में आपस में इख्तलाफ है, तो पब्लिक को क्यों कहा जा रहा है कि आप एक हो जाएं? देखें जी, ये तो एक अच्छी बात है, अगर कहते हैं तो अमल भी होना चाहिए इस पर। और ये पहली मरतबा है कि इस दफ़ा जो सिंध की सियासत है उसमें तमाम वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो सिंध की अंदरून सिंध कराची और मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र रखने वाली सियासी कुवतें हैं सब एक साथ मिल के, और ये रिकन्सीलेशन की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके तहत सब हुकूमत में शामिल हैं। और मकसद यही था कि सब पार्टीज़ मिल के लोगों के मसाइल हल कर सकें, लोगों की चीज़ें देख सकें, और आपस में इत्तेहाद भी हो और सूबे में अमन अमान हो ताकि सूबे में चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकें। उसी नज़रिए के तहत सब पार्टीज़ मिली, वो कि हर किसी का मैनिफेस्टो अलग था और हर किसी का नुक्ता नज़र अलग था, लेकिन रिकन्सीलेशन और जो मुसाहलत की पॉलिसी थी वो फिर जो बात पॉलिटिशियन करते हैं तो इस दफ़ा उन्होंने साबित करके दिखाई है कि हम सब साथ हैं। और पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत आप देखा कि दो साल हो गए हैं इस हुकूमत को, और अल्लाह की मेहरबानी से कराची में ख़ास तौर पर और अंदरून सिंध भी सियासी तौर पर पुरमन सूबा है, और यहाँ मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, महंगाई और बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपनी जगह पे हैं, लोड शेडिंग, लेकिन सियासी तौर पे मुस्तहकम है, और जो भी प्रॉब्लम होता है तो साथ मिलके इसको हल करने की कोशिश की जाती है। इसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, पूरी काबीना और सियासी कुवतें, नो डाउट कि आप सब लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और यही नहीं कि पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें बड़ी पार्टिसिपेट कर रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर मसला जो है ना वो अपनी जगह के ऊपर मसाइल खड़े हुए हैं मुंह खोले हुए, और वो मसाइल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम उससे आप भी गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ, वो मसाइल हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के, खाने पीने की अशिया, बिजली है, पेट्रोल है, गैस है, अब गैस की भी जो है ना लोड शेडिंग शुरू हो गई है। उसमें मैं अर्ज़ करूं कि तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो सियासी लीडर हैं उनकी तो ये अपनी बेहतरीन कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि कीमतों पे कंट्रोल रखा जाए, चीज़ें मतलब लोगों को, क्योंकि हमने फिर लोगों के पास जाना होता है, हर 4-5 साल के बाद लोगों के पास जाते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हों या नेशनल इलेक्शन हों, और लोगों से वोट मांगते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों से मतलब इंटरेक्शन होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, और सबसे मुश्किल काम वोट मांगना होता है, लोगों को कन्विंस करके, ह्यूमंस को अपना अपनी तरफ करके वोट लेना। तो अब हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें मसले हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंटरनेशनल सूरत हाल,
कुछ लोकल सूरत हाल, ये टेररिज्म के हवाले से आपने देखा पाकिस्तान क्या पैसा समझते हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या पैसा समझते हैं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, सब लोग पूरी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि आप लोग फिर 5 साल बाद वोट मांग लेंगे लोगों से? देखें जी, कोशिश यही होती है इंसान बेहतर करे। अब 2 साल हुए हैं गवर्नमेंट को, 3 साल अभी और पड़े हैं काफ़ी, और शुरुआत में तकलीफ़ ज़रूर होती है, नई पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, नई चीज़ें होती हैं, उनको सेटल डाउन करना, क्योंकि इसमें मेन जो पार्टी है हमारी कोलिशन की जो मेन हेड कर रही है वो पीपल्स पार्टी है, तो मोस्टली उन्हीं के प्रोग्राम ज़्यादातर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको एक मसालत वाली पॉलिसी के तहत उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मुल्क में सियासी माहौल इस तरह का रहे कि इन्वेस्टमेंट भी आती रहे, लोग हालात बेहतर रहे। इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने फसादात हो रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल झगड़ा ना आ जाए, ना आ जाए, आपको उसको रोक के रखा उसको रोक कर रखा हुआ है, उस वजह से फिर और बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इम्तियाज़ भाई, ये ज़िंदगी इतनी उलझनों में घिरी हुई है, कैसे रिलैक्स करते हैं अपने आप को? आप क्या है वो चीज़ जिससे आप इतने पुरसकून नज़र आ रहे हैं और मैं इतना बेचैन हूँ? बेचैन लगते तो नहीं, लेकिन बड़ी बेचैनी है। लेकिन देखें जी, बेचैनी तो हर इंसान के साथ होती है, मसलों के साथ, चीज़ों के साथ, इश्यूज़ के साथ, लेकिन फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आदमी जब बैठता है तो रिलैक्स करता है। और कुछ सुनते हैं रिलैक्स होने के लिए, किसी खास को पसंद करते हैं किसी खास? असद फतेह अली के सॉन्ग्स होते हैं वो, उनको सुन लेते हैं, वो जो चल रहे होते हैं कैसेट्स में, और भी मुख्तलिफ किस्म के, तो आप उसको सुनते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ जा रहे होते हैं उस किस्म का गाना सुनते हैं या? नहीं नहीं, जो चल जाए, जहाँ से आ रहे होते हैं उस किस्म का सुनते हैं। जो चल जाए उसमें, जो कैसेट तो उसमें आपकी चॉइस नहीं है? नहीं जी हाँ, बस वो क्या सीडियां तो कैसेट्स तो खुद लगाते हैं ना, फिर वो चलाते ड्राइवर ही हैं या हम खुद चलाते हैं। ये जो हमारे भाभी बच्चे हैं, इनकी क्या शिकायतें हैं आपसे? कोशिश तो मेरी होती है कि शिकायत ना हो, लेकिन टाइम का मसला होता है और टाइम उनको कम दे पाते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं जी सिविल सर्विस में था, शुरुआत मेरी ज़िंदगी की, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर, फिर सिविल सर्विस, फिर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जी हाँ, तो सिविल सर्विस के ज़माने से ही मतलब ये पब्लिक डीलिंग वाला काम, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, हेल्थ का, पॉपुलेशन का, एग्रीकल्चर का। तो भाभी तो आदी हो गई है कि ये तो हो गई, ये तो इस सर्विस में तो हो गई, खुद हिस्सा लेती हैं भाभी आपकी एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज? देखें, औरतों के वोट के बगैर तो हम जीत नहीं सकते, सही, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, औरतें ज्यादा है, 51% है, और ये 51% भी डिक्लेयर है वैसे, ऑफिशियल तो बहुत होंगी है, मर्दों से ज्यादा है, मर्दों से ज्यादा है जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह ज्यादा है, किसी मुल्क में नहीं है जहाँ ये औरतें कम हों। मैं समझता हूँ औरतें बड़ी मेहनत कश होती हैं, और पाकिस्तान की औरतें तो बड़ी मेहनत कश हैं कसम से, बड़ी थोड़ी थोड़ी खलील तनख्वाहों में गुजारा करती हैं। देहातों में जी आप जाके देखें ना, आप मतलब आदमी की आंखें खुल जाती हैं, सुबह से वो उठती हैं और खाना बनाती हैं, बच्चों का ख्याल करके खेतों में जाती हैं, दूर से पानी भर के आती हैं, और खेतों में एक्टिव जो होते हैं ना, जो खेती बाड़ी करना, और गर्मी में, इस गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में, जिसमें से कब्र में से मुर्दे निकल के पानी मांगने लगते हैं, वो गर्मी से बिल्कुल सही है, 50 के करीब टेम्परेचर होता है, और ओपन फील्ड्स में इंटीरियर सिंध के अंदर तो 52 तक चला जाता है, जैकबाबाद और शिकारपुर और मच्छू और सिब्बी में, तो उस गर्मी में भी काम करती है, बहुत मेहनत कश औरतें हैं पाकिस्तान की, बड़ी मेहनत। औरतें इतनी मेहनत कश हैं, इतनी मेहनत कश हैं कि खुदा का एहसान है कि हमें अल्लाह ने ऐसी औरतें अता फरमाई हैं कि जो हमारे घरों में आती हैं और फिर जाती नहीं हैं, इवन देन मैं के भी जाना छोड़ देती। अच्छा, तो आपकी शादी कितने साल पहले हो गई थी? शादी मेरी 83 में। बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? 4 बच्चे हैं जी, 1 बेटा है, 3 बेटियाँ हैं। कौम के बच्चे भी पॉलिटिशियन के अपने बच्चे होते हैं जी, बिल्कुल। इनके बारे में क्या लाए अमल हमें तैयार कैसा करना चाहिए कि ये लोग जिंदगी की वो आसाइशें जो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, इस कौम के बच्चों को भी हम दे सकें? हम क्या ऐसा करना, हम सबको क्या करना चाहिए ऐसा? देखें जी, सबसे पहले तो तरबियत बच्चों को जो घर से मिलती है उसमें जितनी बेहतरी आ सकती है, जितनी उसमें चीज़ें आ सकती हैं, और आजकल के हवाले से जो आसाइश दे सकते हैं औलाद को, तो वालदेन तो देने की कोशिश करते हैं। तालीम नहीं है ना आपके मुल्क में, बेसिक चीज़ें तालीम, तो तालीम फ्री नहीं है, फ्री है तो इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश की तालीम जो है वो इतनी महंगी है। अच्छा भला आदमी अपने बच्चों को वो तालीम नहीं दिला सकता? मैट्रिक तक तो अभी फ्री है, बुक्स भी फ्री हैं, बहुत इसमें रिफॉर्म्स अभी आए हैं एजुकेशन में, और जो क्वालिटी है तालीम की, जो मतलब उसकी वो इसकी मैं बात जी हाँ, वो हमें मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ हमारी मेजॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं
जहाँ पाकिस्तान की जो अक्सरियत के बच्चे जो पीले स्कूल हैं, अच्छे पीले स्कूल, उसकी तालीम का माहौल और उनको वो सहूलियत जो कि किसी भी बड़े शहर के अच्छे स्कूल को हासिल है, अंग्रेजी स्कूल, अगर वही बच्चों को उनको भी मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें मैं एक जिक्र करूंगा इस आपके प्रोग्राम में, एक सिटीजन फाउंडेशन TCF के स्कूल हैं, वो हैं ही पूरे उन इलाकों में जहाँ बहुत ही गरीब आबादी रहती है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो स्कूल आप ज़रूर देखें और बहुत ही अच्छी तालीम का सिलसिला है, उनके यूनिफॉर्म किताबें, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी ऐसी बस्ती में आ गए हैं जहाँ के इस तरह के स्कूल होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वक्त कह रहा है हमसे कि अगर हमारे आज अपनी नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर उसे हमने बेहतरीन चीज़ कोई देनी है, वालदेन ने, ख़ानदान ने, इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस मुल्क के आला हकाम ने, इस मुल्क के मालकान ने, जो इस मुल्क के सरबरान हैं, उन्होंने अगर कोई चीज़ अगर इस आने वाली जनरेशन को देनी है तो वो है एजुकेशन, जो उन्हें पूरी दुनिया में लेकर के जाएगी और उन्हें सिविलाइज्ड भी कर देगी और उन्हें गुफ्तगू का सलीका भी देगी, तरक्की के रास्ते भी खोलेगी। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे नौजवानों को जिनमें ये जज्बात हैं आगे लेकर कर आएँ। ब्रेक भी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तालीम याफ्ता हैं और वहाँ से मुझे ब्रेक लिखा हुआ इंग्लिश में दिखाया गया, और काश में पढ़ा लिखा ना होता और ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहता, मुझे ब्रेक ना लेना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, ये मुझ पर वाजिब हो गया है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं इम्तियाज शेख साहब से, और इनसे पूछते हैं कि और मजीद हुकूमत सिंध क्या कर रही है ऐसा कि जिससे गरीब खुश हो जाए, खुशहाल हो जाए, उन्हें भी जीने की एक आस पैदा हो जाए। वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद है जनाब इम्तियाज शेख साहब। आप कई मरतबा मिनिस्टर रहे हैं और एक दौर में ग़ुलाम अरबाब रहीम साहब के दौर में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। क्या सर आपकी उनकी क्या इख्तलाफ क्या हो गया था जो पूरा मीडिया जो था उस वक्त खलबली मच गई थी, वो क्या वजह क्या थी उसकी? सर देखें, सियासी थी, वो समझते थे कि मैं उनके लिए ख़तरा हूँ और वो समझते थे कि अगर थोड़ा आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। जी हाँ, बन जाऊँगा, इसलिए उन्होंने मतलब उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए और चीज़ें फिर ख़राब हुई, फिर तो पूरा लोगों को पता है स्टोरी। लेकिन हमने फेस किया, हम कहीं गए नहीं, इधर ही रहे, उनकी तरह हम मुल्क छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में रहे और वहीं फेस किया, और अल्लाह की मेहरबानी से तमाम जो कोर्ट्स थी या जहाँ भी इदारे थे सब से हमें क्लीन चिट मिली, यानी 12-13 केसेज उन्होंने क्लियर हुए। आप सब जगह सब में क्लियर हुए, सब में क्लियर हो, माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। दस्ते शफकत आपके ऊपर जो है मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए इज रिस्पेक्टेबल फॉर एवरीबॉडी, जनाब मोहतरम पीर पकारा साहब। जी हाँ जी, हमारे हमारे आपकी पार्टी के सरबराह हैं है। वैसे भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं बड़े, और मैं समझता हूँ रूहानियत, और दूसरी बात यह कि उनके जो एक्सपीरियंस और जिस तरह की वो फोरकास्ट करते हैं, जो वो बात करते हैं, बड़ी ही उम्दा बात होती है, जो आखिरकार वो बात वाक़ा पज़ीर होती है, साबित होती है, वो साबित होती है कि उन्होंने ठीक कहा था। पीर साहब की शख्सियत ऐसी है पाकिस्तान में जिसको हम एक लेजेंड कह सकते हैं, बेशक, जिसके जिसके लाखों मुरीद हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया साइड पे भी हैं, बहुत जहां जहां हुर हैं। देखिए हुरों का जो मर्तबा है ये आपको तो मालूम ही है इस बात से, सारी दुनिया अंग्रेज, उनके वालिद ने अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी। दूसरी बात ये कि हमारे पीर साहब पगड़ा जो हैं अभी मौजूदा, उनको ये भी एजाज है कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए उनके हुर पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बाशाना लड़ते हैं, लड़ते हैं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं तो दुआ गो रहता हूँ हमेशा, अल्लाह ताला पीर पगारा साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, उनकी कायदाना सलाहियतों से पाकिस्तान फ़ायदा उठाए हमेशा, और अल्लाह ताला उनके जो बसीरत है सियासत की वो आप लोगों में मुंतकिल रहे और आप उनकी उस रोशनी में चलते रहें आगे लेकर के। इम्तियाज भाई, सियासतदान ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, क्या वजह है? मैंने नहीं की। नहीं, आपने आपने नहीं की है, ऐसे सवाल कर रहा हूँ, यू आर पॉलिटिशियन।
ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन कई शादियां करे या दो शादियां करे, ये तो अब सोसाइटी में अब बहुत से लोग हैं जो दो शादियां करके मुख्तलिफ। पता नहीं क्या लोगों में शौक हो गया दो शादी का, है बड़ा मुश्किल काम ये। वैसे बड़ा मुश्किल काम है एक एक जिंदा औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना, दो दो बहुत बड़ी जहाज वाला काम है ये, और दो तो बिल्कुल ही यानी कि अजीब व गरीब काम है। ऐसा कोई ये लाजमी नहीं है पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन अक्सर पॉलिटिशियंस की हैं वो, शायद इसलिए कि पॉलिटिशियंस हमारे मोस्टली जो हैं वो रूरल एरिया के हैं, तो वहाँ मतलब और तरीके का चलता है, पर्दा और इस तरह की चीज़ें। फिर जब शहरों में आते हैं असेंबलियों में इलेक्ट होके, तो यहाँ शायद फिर कोई शहर यहाँ कर लेते, शहर में कर लेते अपने गाँव में नहीं करते। गाँव में तो एक होती है ना, एक होती है गाँव में, उसको तो बोलते तुम गाँव के लिए हो ये। लेकिन अभी आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन बहरहाल ये पहले जमाने में किसी हद तक सही था, सही जब था। आते थे यहाँ, एक्सपोजर मिलता था, असेंबलियों में लोगों से मिलते थे तो बस फिर दूसरी शादी भी कर लेते थे। लेकिन अब तो जिसका कारखाना है वो भी दो शादी कर लेता है, क्रिकेटर भी दो शादियाँ कर लेते। क्रिकेटर तो अल्लाह ताला मौका दे तो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में कर लेते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ शुएब मलिक का, कि यार इसका दिमाग खेल में तो था ही नहीं कई सालों से, इसका सारा दिमाग तो हैदराबाद दक्कन में रखा हुआ था, दोनों तरफ से इसका दिमाग वहीं था। सर सरकार के जो सरकारी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स और ये जितने भी लोग होते हैं, इनके बिजली के बिल, घर के बिल, और इनके मुलाजमीन, इनका बिजली, इनका गैस, इनके ड्राइवर, इनका पेट्रोल, इवन देन सब गवर्नमेंट वो करती है, तो कैसे इन लोगों को इन सारी महंगी चीज़ों का एहसास हो सकता है, क्योंकि खुद तो कोई परचेस कर नहीं रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है, और अगर सरकार कर रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया? मुझे पता चलेगा क्योंकि मैंने डलवाना है। देखिए जी, उसका तरीकाकार क्या है, वजीर आजम साहब को ये कैसे पता लगेगा? मैं आपको बताता हूँ उसका, क्योंकि ये तो एक तो मीडिया हमारी हर चीज़ का पता है, लेकिन दूसरी बात ये जो एक्चुअल ग्राउंड पे रियलिटी है इस तरह नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब नज़रिया ये है कि एक आदमी वजीर बनता है या सरकार का सेक्रेटरी बनता है, जिसको ये मराहत होती हैं, तो वो उस पर जिम्मेदारी होती है कि लोगों के मसले हल करेगा, लोगों की चीज़ें करेगा, टूर करेगा, लोगों से मिलेगा, वो आना जाना उसका खर्चा कैसे होगा, वो मतलब अपनी जेब। तो उसी की बुनियाद पर सरकार ने या जिसने भी ये कानून बनाया, जब से बनाया कानून, तो उन लोगों ने ये चीज़ें रखी कि ये चीज़ें इस आदमी को अगर नहीं होंगी तो अपने जेब से तो नहीं जा सकता, कि कभी जैकबाद, कभी लाड़काना, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद मीटिंग होती हैं, लोग आते हैं, लोगों के पास जाना पड़ता है खुली कचहरियों में। सर ये बताइए कि शिकार का शौक है आपको भी? मुझे शौक नहीं है, मैं ऐसे कभी कभार जाता हूँ दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्तों के साथ चले देखने के लिए? कंपनी जाते हैं, राइट है सर? एज ए कंपनी ड्रामे प्रोग्राम फिल्म वगैरह जब जाते हैं तो एज ए कंपनी जाते हैं या खुद दिल करता है आपका? बहुत अच्छे से सिनेमा वगैरह में तो गए नहीं। हाँ, वो तो अब डर के मारे कोई भी नहीं जाता वहाँ। जाते हैं लोग, फैमिली के लोग जाते हैं हमारे, अक्सर कहते हैं चलें साथ, लेकिन वो टाइम नहीं होता। या फिर आखिरी फिल्म कौन सी देखी सर आपने, ईमानदारी से बताइएगा? हमारे प्रोग्राम में मैंने आपसे असल में शुरू में हलफ लेना भूल गया, हम झूठ नहीं बोलने देते कि भाई बात सच करनी है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में तो सिनेमा में बहुत अरसे से नहीं देखी मैंने। दुबई वगैरह, लंदन वगैरह जब जाते हैं बाहर, तो वहाँ फिर चले जाते हैं सिनेमाज में देख लेते हैं, या दुबई वगैरह में जब चले। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? शाहरुख खान की थी कोई, माय नेम इज खान। नहीं, वो तो अभी है ना, कुछ काफी अर्सा पहले, साल डेढ़ साल पहले आई थी उसकी। इन लड़कियों को बताओ कौन सी है शाहरुख खान की? ओम शांति ओम। हाँ, ओम शांति। ओ, आपने देखी? जी हाँ। कैसी लगी आप? अच्छी फिल्म थी। वो नई लड़की जो उसमें आई सर, कौन सी वाली? जो उसमें एक नई लड़की आई है, मल्टी टैलेंटेड लड़की, क्या नाम उसका? दीपिका। अच्छी लड़की है जी, अच्छी एक्टिंग करती है, गुड एक्टर। तो ये हमारी लड़कियों में आपको क्या वैरायटी है? आप लिमिटेड वैरायटी है हमारे यहाँ, लिमिटेड वैरायटी है सर। आप थोड़े से उस वैरायटी पे रोशनी डालेंगे प्लीज। कल्चरल साइड पे आप वजीर थे जी, पिछली हुकूमत में पॉलिसियाँ आपने बनाई, पता आपको है। अच्छा, आपको वो तो पिछले साल, दो साल पहले की बात है सर, उसके बाद कोई नहीं आई इधर तीन। अरे बहुत आई है नहीं, मुझे मेरे नोटिस में नहीं, आपके नोटिस में कोई लाया नहीं होगा जान पूछ। सर आप सिविल इंजीनियर हैं,
क्या समझते किसी इमारत को खड़े होने के लिए उसकी बेस बड़ी मजबूत होनी चाहिए? बुनियाद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, होनी चाहिए। जितनी हमने उसकी स्टोरीज बनानी है उसके हिसाब से फाउंडेशन को उतना ह्यूज होना चाहिए, उतना स्ट्रांग, उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की बुनियादों को स्ट्रांग किए बगैर हम मल्टी स्टोरीज कैसे बना सकते हैं और कैसे हम इतने प्लान बना रहे हैं जबकि हमारे पास भी बेस मजबूत नहीं है? आप मुझे ये बताइए। सिविल इंजीनियर बताइए। देखिए जी, पाकिस्तान जब से बना है और चीज़ें क्राइसिस यहाँ बहुत आते रहे हैं, लीडरशिप का क्राइसिस है, बाकी चीज़ें हैं, जंगें हुई उसके हवाले से, अभी तक हम वो एक कौमी सोच, यकजहती वाली सोच पैदा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और अभी तक सिंधी, पठान, मुहाजिर, बलोच, मतलब सरायकी, हज़ारा, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। जिस दिन हमने पाकिस्तानी की सोच रख ली ना, समझे बुनियाद मजबूत हो गई हमारी। बहुत उम्दा बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारी सोच जो है ना वो अभी तक बटी हुई है, मुख्तलिफ कौमियाती सोच है हमारी। जिस दिन एक कौम की सोच हो जाएगी, हमें तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। और एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और अपने जो है ख्यालात अब एक दूसरे के लिए दिल में जगाएं और रास्ते और अपने अपने दिमागों को बड़ा करें, कुशादा करें, यही इन्होंने कहा। और इसके साथ ही मैंने देखा कि मेरे कान में आवाज़ आई कि तुम भी अपना दिल बड़ा करो, कुछ ऐसा कुछ करो कि चैनल में कुछ आए। और कैसे आएगा आपको मालूम ही है, वो क्या चीज़ है जिससे हमें पैसे आते हैं? जोर से बताइए क्या है। तो लेते हैं एक ब्रेक और आते हैं वापस और करते हैं इम्तियाज शेख साहब से दोबारा गुफ्तगू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। खौतन रात हम गुफ्तगू कर रहे थे चीफ मिनिस्टर्स के इस वक्त जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और मुख्तलिफ महकमों में मिनिस्टर भी रहे, ये हमारे पहले मेहमान गुफ्तगू में शरीक रहेंगे इंशाल्लाह आखिर तक। लेकिन अब जो मेहमान हमारी तशरीफ़ ला रही हैं वो ख़वातीन की पसंदीदा हैं। उन ख़वातीन के बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ जो परेशानियों का, उलझनों का शिकार हैं, जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जिनके साथ माशरा भी ज़्यादती करता है, खामिंद भी, ससुराल भी, शहर भी, और कभी कभी तो पूरा मुल्क भी। ऐसे लोग जब इन हालात से तंग आकर कर ज़िंदगी की आस छोड़ बैठते हैं तो अल्लाह ने ऐसे भी लोग इस जहान में, इस मुल्क में पैदा किए हैं जो उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को मीडिया पर लाते हैं, उनकी बात बताते हैं, उसके उनके लिए इंसाफ हासिल करते हैं, ऐसी उलझनों को सुलझन में बदल देते हैं। राइटर भी हैं, बहुत खूबसूरत एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान भी है। आपकी भरपूर तालियों में मैं ज़हमत दूंगा, तशरीफ लाएंगी हिना ख्वाजा बेयार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद शरीफ शो में। आपने बुलाया, हमारे लिए इज्जत अफजाई है। नहीं जी, हम शरीफ बुलाते ही शरीफ लोगों के हैं, छांट छांट के, ढूंढ ढूंढ के। चलने एक सनद मिल गई आज हमें। देख रहे हैं इम्तियाज साहब जी। हाँ बिल्कुल। और आप, आज मैंने एक बात अभी कही जो मेरे दिल की आवाज़ थी कि आप खुदा ताला जब लोगों के लिए अपने, उनके लिए हाथ बन जाता है, उनके लिए जबान बन जाता है, उनकी महरूमियों को दूर करने के लिए वो फिर लोगों को चुनता है। और इसमें हर आदमी नहीं जा सकता, देख सब रहे होते हैं, मगर उनमें चंद लोग होते हैं जो उस काम के लिए चुन लिए जाते हैं। और आप एक चुनी हुई खातून हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना है कि आप चुन चुन के उन मुसीबत ज़दा लोगों को स्क्रीन पे ला रही हैं। ये बड़ी खूबसूरत सोच है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे आप कर रही हैं टेलीविज़न के ऊपर। पता नहीं जी कॉन्सेप्ट है या सोच है, लेकिन बस ये कि एक लगन कभी कभी होती है कि हम कुछ तो करके जाएं,
मतलब कल को चले जाए तो दुनिया में कोई याद तो रखे कि इन्होंने अपने तौर पे अपने दायरे में अपने स्फीयर में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश तो की। अब अगर कोई हमसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेता है तो मेरा ख्याल है वो भी चलता है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ना वो हम नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या चर्स बेचता हूँ? क्या करता हूँ? क्योंकि मेरा ख्याल है जिन चीजों को मुझ जैसे लोग बड़ी संजीदगी से देख रहे होते हैं उनको आप लोगों को हंसा हंसा के भुला देते हैं। सो जितनी दुआएं आपको मिलती होंगी मेरा ख्याल है उससे कम मुझे मिलती होंगी। चले हम अपनी दुआओं में से आपको शेयर कर लेंगे। थैंक यू। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मजाक में करता बड़ी खतरनाक बात हूँ। बिल्कुल लगती वो मजाक वाली है। वो कोई मजाक नहीं होता, मजाक में ले लेता है लेकिन बात में पूरी कर देता हूँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सीरियसली करूँ तो फिर गिरफ्तारियाँ, तमाचे, थप्पड़, गाड़ियाँ, एक्सीडेंट और कभी कभी कुछ और इससे आगे भी काम जा सकता है। इसलिए मैंने कहा ना जो आपका कमाले फन है वो हमारा तो है ही नहीं। नहीं, मेरा फन नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक कौम का खादिम हूँ। जो सोच आपकी है यकीनन मेरी है, वही सोच इनकी भी है, लेकिन हम डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं और मैं कभी किसी को ब्लेम भी नहीं देता। सिस्टम ही हमारे यहाँ कभी ऐसा डेवलप नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे के लिए इतने आगे आ जाएं कि बिछ जाएं। अभी मैं भी आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, मैं उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जिसमें आप एक खातून को हिम्मत दिला रही थी और बड़ी पहाड़ी इलाके में कहीं आप गई हुई थी, कहीं कुछ लोग थे वहाँ, लोग भी इतने ख़तरनाक थे, मैं तो आप ही की दुआ मांगता रहा। मैं कहा ये अल्लाह करे खैरियत से यहाँ से वापस आ जाए, बाकी वो तो वहीं के रहने वाले लोग हैं और अजीब वो गरीब हुलिये थे। वैसे लोग, मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, आज इतने सालों में मुझे कभी किसी के साथ अल्लाह का शुक्र है बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतनी अच्छी तरह पेश आते हैं, जो थोड़े से नाराज भी होते हैं वो भी कम से कम मुंह पर जाती नहीं करते। अच्छा, मर्दों की एक नाराजगी तो आपके साथ चल रही होगी। मैं वैसे मर्दों की बड़ी हामी हूँ, बड़े अच्छे अच्छे मर्द हैं यहाँ भी माशाल्लाह, बहुत सारे बैठे हुए। बहुत सारे क्या, सारे ही मर्द बैठे हुए? आपने कहा बहुत सारे, या कुछ भी आपको शुभा है कि ये बेचारे ये सब मर्द? मतलब खवातीन के बीच मर्द भी बहुत सारे हैं। खवातीन ज्यादा हैं, दुनिया में भी ज्यादा हैं, इस प्रोग्राम में भी ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ हमने मसावी हकूक रखे हैं, एक आदमी और एक औरत रखा है यहाँ हमने। नहीं वैसे दो हो गए। नहीं यार दो नहीं, वैसे देखे तो पीछे पांच और बैठे होंगे। ये तो पूरा ग्रुप बन जाएगा आज तक। देखिए अब ये तो बात उलट हो गई ना कि इस वक्त तो एक और इतने सारे मर्द, तो कौन फिर हावी हुआ? कोई मुकाबला तो नहीं है जी? नहीं ये कोई मुकाबला नहीं है, आप फिर भी जीत जाएंगी क्योंकि आपने रोना है और सारी कौम ने आप दुपट्टे निकाल लेने हैं। सोसाइटी में क्या ऐसी बेचैनी है कि ऐसे हादसात रोनुमा हो रहे हैं? क्या बेचैनी क्या है, किन वजह से ये चीज़ें वजूद में आती हैं? ये जो हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो जाती है और अगवा हो जाती हैं, या उनके साथ और घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेशन जो होती है वो क्या है, उसकी उसकी बेस क्या है, उसकी लॉजिक क्या है? एक लफ्ज़ से क्या, इज्जत। जब इज्जत नहीं की जाती तो फिर उसमें उसकी इज्जत की पामाली होती है, उसके हकूक़ की पामाली होती है, उसकी सोच के ऊपर बंदिशें होती हैं, फिर हर तरह से उसको जिसे कहते हैं ना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कंस्ट्रेन किया जाता है, कैद किया जाता है। किन एरियाज में ये ज्यादा होता है? हर जगह होता है। नहीं शहरों में? शहरों में भी ये पढ़े लिखे लोग बिल्कुल है, ये MA, ये MA, ये PhD। ज्यादा अफसोस की बात है कि MA PhD करने के बाद भी सोच नहीं बदलती। मतलब मर्द जो है वो PhD के बाद भी सही नहीं होता? कई औरतें आपका कहने का मतलब नहीं सही होती, कुछ औरतें भी PhD के बाद ठीक नहीं होती? ये कोई मतलब वो फिक्स फार्मूला नहीं है कि औरत या मर्द, कोई भी हो सकता है। सोसाइटी में अच्छे मर्द भी हैं, अच्छी औरतें भी हैं, जो मतलब इस तरह के मर्द भी हैं जो मजालिम करते हैं। वैसे हमारे पास औरतों में ज़्यादा मजालिम होते हैं क्योंकि कमज़ोर सिनफ होती है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बाहर एक्सपोजर नहीं है उसका। शहरों में तो फिर भी है, देहातों में तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़। देहातों में तो वो बेचारी कहाँ जाए, इतनी दूर पूरा दिन काम भी करती थाने है, इतनी दूर होते हैं कि थानों में मतलब उनकी सुनाई थाने जाके उसे अपनी शामत बुलवानी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आजकल आप रोज देख रहे हैं कुछ ना कुछ टीवी पे, अभी देखा मैंने, कल देखा एक औरत को थाने में मार रहे थे। ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट बुरी बात है, अनफॉर्चुनेट है इस पाकिस्तान की सोसाइटी में, जब इतनी आगे सोसाइटी जा रही है इस तरह के वाकयात। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पहला वाकया नहीं है, पुलिस की ज्यादतियाँ आपने मुसलसल कई महीनों से नजर आ रही हैं। देख रहा हूं मैं तो कसम से। तो इस पर गवर्नमेंट को हम भी बात करेंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इसका नोटिस लें
और फौरी तौर पे पुलिस पे कंट्रोल का सूरतयाल रखें। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो बुरखे पहनकर रिक्शा में बैठ के एक दिन इस्लामाबाद से निकले पिंडी जाने के लिए। वो कितनी जगह रास्ते में पकड़ी जाएंगी, उनको पता लग जाएगा औरतों को बिचारियों को रात को क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो एक मशवरा दिया है, मैं विद एक्सक्यूज विद प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, सर दिस इज सजेशन, प्लीज डोंट टेक सीरियस, कि क्योंकि ये एक अलमिया है, क्योंकि हम जब तक देख नहीं लेते, आप देखिए ना पुलिस ले जाकर, अब दूसरे मुल्कों में जब पुलिस नजर आती है तो हमारे लोगों को सुकून हो जाता है, ओह थैंक्स गॉड पुलिस आ गई। हमारे यहाँ उल्टा है, अरे यार पुलिस आ गई, हमारा उल्टा है। आप अब देखिए कितनी दुख भरी बात है और आपने हंसा दिया उस पे भी। नहीं हंसाया नहीं, मैंने तो एक्सप्रेशन से हंसाया ना, कि मैं देखता हूँ ना बाहर के मुल्कों की पुलिस को, अब मैं इंग्लैंड की पुलिस देखता हूँ, इतनी प्यारी, चिट्टी सफेद दूध रंग की, नीली आंखें, गुलाबी होंठ, सुनहरे बाल, हमारे मुल्क में होती पुलिस ही अगवा होती और कोई अगवा ना हो। पुलिस को सही, वैसे बहुत सारे पुलिस के बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत प्यारे लोग भी हैं पुलिस में, वही बात है जैसे अभी हमने की के कल्चर चेंज करने की जरूरत है। आप ये एक इदारा जो आप कर रही हैं, जिसमें आप काम कर रही हैं, जिसमें आप फील्ड में काम कर रही हैं, आपको सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा वाक्य आपके सामने आया जिसे देख के आप लरस गई और आप नहीं सोच सकती थी कि यार पाकिस्तान से इस्लामिक कंट्री और इस मुल्क के अंदर ऐसा हो जाना? उफ, एक वाक्य बहुत सारे। छोड़े मत समझिए, छोड़े आपने तो मतलब आस ही छोड़ दी ना, मैं सोच रहा था वो एक नहीं छोड़ी, आस नहीं छोड़ी, सारा मसला ये कि आस नहीं छोड़ी। अच्छा क्या बताइए, आप बताइए। लेकिन दुख बहुत ज्यादा एक वाक्य से हुआ था और वो प्रोग्राम के जो है ना दायरे कार में नहीं था। एक एग्जीबिशन लगी थी मोहट्टा पैलेस में पाकिस्तान के ऊपर और बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे जो अंदर जाने की जिद कर रहे थे, सिक्योरिटी वाले उनको छोड़ नहीं रहे थे। तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि इन बच्चों का हक है, इनको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। Right. तो मैंने कहा, मैं और मेरी अम्मी थे, मैंने कहा चलें आप लोग बच्चों को हम ले जाते हैं अंदर। उन बच्चों को ये नहीं मालूम था कि कायदे आज़म कौन थे और वो क्लास 5 और 6 के गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे थे। उस दिन मेरा दिल रो पड़ा था क्योंकि मैंने जब उनको तस्वीर दिखाई तो बच्चे ने कहा, ओ बाजी ये तो वो है जिनकी तस्वीर नोट पे होती है। ये अलमिया है हमारी एजुकेशन, हमारा तालीमी मयार, हमारी कौम का अलमिया है। ये अलमिया है हमारा कि हम अपने अपने उस शख्सियत को नहीं पहचान पाते जिसने हमें ये आजाद सल्तनत दी है जिसमें हम रह रहे हैं। आपने ड्रामों में भी काम किया, उससे मुतमईन नहीं हुई? उससे मुतमईन नहीं हुई? वो कभी कभी थोड़ा सा जो है ना जायका बदलने के लिए कोई और चीज भी करना। ये काम आप जायका बदलने के लिए कर रही हैं? ड्रामा ड्रामा, अच्छा ड्रामा आपने जायका बदलने के लिए किया था? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, ड्रामा जो है मेरा ख्याल है कि जो उसकी रीच होती है और जिस तरह से वो एक बात को कन्वे कर सकता है, शायद हम इस तरह से बैठ कर बात करने में नहीं कर सकते। वो जो है ना लोगों के साथ वो कहानी रह जाती है। सही, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है ना जी, बड़ा खूबसूरत मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप काम करती हैं ड्रामों में काम कर रही थी, किस आर्टिस्ट से आपका आपको लगता था कि यार ये एक्टर या ये एक्ट्रेस जो है ये इसमें है वो एक्सप्रेशन जो मेरी तहरीक से, जो मेरे अंदर एक काम जन्म ले रहा है और जो मेरे ख्यालात पनप रहे हैं और जो मुझे लेके जाएंगे उस जगह जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, उसमें ये टैली करता, ये मैच करता? ड्रामे में वो वाली कहानी कहीं नहीं थी। वो बेशुमार ऐसी स्टोरीज बनती हैं। नहीं बनती हैं, लेकिन जिन ड्रामों में मैंने काम किया है अभी तक, कैरेक्टर्स पावरफुल ज़रूर थे, इसी वजह से मैंने किया भी। और एक वो जो चीज़ मैं अपनी सोच के तौर पे करना चाहती हूँ कि मतलब ख़वातीन को एक थोड़ा सा ये मैसेज मिल जाए कि मतलब हर वक्त रोना धोना भी अच्छा नहीं होता, ज़रा आगे बढ़ें, खुद हिम्मत करें, खुद हौसला करें। क्या औरतों का ये काम नहीं है कि एक आदमी सुबह से शाम तक, मिसाल के तौर पर छालिया कत्थे की पान की दुकान है, उसके पास कस्टमर भी ऐसे आते, क्या चाहिए, एक पाव थाली दे यार, पाव थाली दो, क्या चाहिए, कत्था, पिछले बार कत्था अच्छा नहीं था, अच्छा यार आपके इंशाल लेके लेके जाओ, बेचारा एक दड़बड़ सारा दिन। या जूते की दुकान वाले, 12 नंबर के 2 फेंक दे भाई, ये कैच कर सारा दिन जूतियां पिना रहा है, सारा दिन वो
फल तोलना है उसके लिए तो जब, अच्छा है बल्कि नहीं नहीं जब ये इतना काम करके घर में आए ऊपर से बीवी भी उसको इसी टाइप की मिल जाए जो सख्त किस्म के गुस्से में बैठी हुई हो, जैसे इसने भी कोई गलत सामान खरीदा इस आदमी से और गुस्से में बैठी हुई और घर में गुस्से के साथ ही पूछे हाँ क्या किया सारा दिन, बंदा वो सारा दिन उसको पता है क्या करके आया है वो। तो क्या आप औरतों को ये बताती हैं कि बहन एक चेहरे पे मुस्कुराहट रख के हल्का सा मुंह धो के हल्का सा मुंह धो लो, सरकारी नलके में तो बल्कि मेकअप जैसा ही पानी आता फाउंडेशन जैसा उससे धो के मुंह धो के सर पे हल्का सा मतलब कोई हेयर ऑयल लगा के कुछ थोड़ा सा और हल्की सी लिपस्टिक लगा के, ये तो मेरा ख्याल है मैं औरतों को भी कहती हूँ और कहूंगी और मर्दों को भी। औरत भी चाहती है कि उसका शौहर जो है वो अच्छा लगे, जो वो घर आए तो वो सड़ा हुआ बदमिजाज घर में ना दाखिल हो, जरा हंसता मुस्कुराता कोई किस बात पे हंसता हुआ आए, वैगन वाला उसको जहाँ दिल चाहे उतार दे और वो हंसता हुआ आ जाए और वो बीवी जो सारा दिन बैठकर बेचारी चूल्हे के आगे सिक रही है और उसका तांबे जैसा रंग हो चुका है जो मियां मुड़कर देखना भी नहीं चाहता, तो उसको भी तो किसी मुस्कुराहट की जरूरत है ना। डेफिनेटली घर में मर्द मुस्कुराता हुआ दाखिल, मर्द भी आकर ही कहते हैं तुमने किया क्या सारा दिन, बैठी रही पलंग तोड़ती रही। नहीं वो भी देखे और ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें क्या ज्यादातर शिकायतें क्या होती है मर्दों से खवातीन की, ताकि आप कहें तो पता लगे लोगों को? अब्यूसिव होते हैं, अगर जिस्मानी तौर पर मारपीट नहीं होती तो जहनी तशद्दुद होता है, गाली गलोच होती है। जहनी तशद्दुद कैसे होता है? चीज़ है ना, दिमाग में जाके डांट के आ जाते हैं नहीं क्या? वो बाहर से ही काफी कुछ कर लेते हैं, जैसे रेडिएशन होती है ना। हाँ, बिल्कुल वैसे, मतलब वो इतनी जहीन खातून होती है कि वो टेलीपैथी में भी लड़ती रहती है। जहीन खातून को आप ही कहते रहे कि तुम तो बेवकूफ हो, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, तुम तो किसी काबिल नहीं हो, या आप उसके तंज कर रहे हैं या उसके माँ बाप तक जा मतलब रहे हैं। शोहर है और नंदो वाला काम कर रहे हैं यू मीन है ना। अच्छा चलो ये हो गया, यानी आपका ख्याल है ये जो औरतों को जला देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, समटाइम कोई चूल्हा फट जाता है और ये फटता भी बेचारी बहू के साथ ही है, सास कभी नहीं जलती, सास के पास चूल्हा फटता ही नहीं कि वो खुद इतना बड़ा चूल्हा होती है, सास से तो चूल्हा डरा हुआ होता कि या अल्लाह कहीं ये ना फट जाए, अम्मा फट गई तो मैं तो मर जाऊंगा। तो ये आपने इसकी हल क्या निकाला कि क्या वजह है? जहेज बहुत दफा, जहेज बहुत दफा, बहुत दफा, जहेज बहुत दफा, ये आज एक खत्म होगी तो दूसरी आ जाएगी, कुछ और ले आएगी, कुछ और ले आएगी, यानी कि हर औरत के ऊपर कुछ सामान आता रहेगा। इम्तियाज भाई ये क्या ऐसा क्या क्यों नहीं है कि जहेज के ऊपर कड़ी निगरानी में सरकार के जहेज दिया जाए? देखें जी क्या DCO और ये SHO ये जो बिरयानियां पकड़ रहे हैं शादियों में जाके देंगे पकड़ रहे हैं, वन डिश पार्टी में जाकर के लाइटें बुझवा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं कि ये भी तो कर सकते हैं ना खड़े होके कि भाई ये सामान ये दे रहे हैं और इसके बाद कोई मुतालबा ना किया जाए इनसे। देखें जी ये अब शादी ब्याह बिल्कुल एक फैमिलीज़ का अंदर का मामला होता है, फिर अगर उसमें भी अगर हुकूमत सरकार बीच में अमल दखल देना शुरू कर दे, ये हमारी अपनी तालीम की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच की बदलने की ज़रूरत है। सर देखिए ये जो हालात हैं ये सरकारों के ही पैदा किए हुए होते हैं, जो लोग अपने बच्चों को जहेज नहीं दे पाते, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें नहीं दे पाते, ये सरकारों के पैदा किए हुए हालात हैं। तो सरकार उसको उस उलझन की सुलझन जो है सरकार है वो बैठे और कहे कि भाई डिसाइडेड मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया, जज ने डिसाइड किया ये जहेज मिलेगा, इसके बाद इस लड़की का ज्यादा हुई तो वो फिर सेशन कोर्ट आएगी, वो हाई कोर्ट आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट आएगी। लेकिन अमर भाई और औरतों का फेवर क्या करूं? नहीं नहीं ये एस्टिमेट कौन लगाया कितना जहेज सही है और कितना काबिले कबूल है और कितना नहीं देना चाहिए और कितना होना चाहिए? नहीं होना ही नहीं चाहिए, हस्बे तौफीक। जहेज जिसने अपनी बच्ची दे दी, अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, उससे आप और क्या चाहते हैं? देखिए मेरी बात में खुद भी देते हैं, कुछ नहीं चाहिए ना लेना ना देना। देखिए उसूलन तो देखा जाए तो सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीवी फातिमा ज़हरा ताहिरा तैयबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को क्या जहेज दिया? अगर देखा जाए तो वो चाहते, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते
तो चांद और सूरज दोनों उठा के भी फातिमा उतार रहते, ये बरस अल्लाह ताला को दे देते, कायनात के सारे फूल उनके कदमों में आ जाते, पूरे पहाड़ पूरे दरिया समंदर आकर उनके कदमों में बहने लगते। लेकिन सरकार ने शायद हम लोगों की इस वक्त के लिए आपने ये सुन्नत कायम करी, और उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं जिनकी अपनी बेटियां हैं और दूसरों की बेटियों को घरों में ला कर ज्यादती का शिकार करते हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए हदीसों को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, और एक बच्ची जो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे देता है यार, उसको तो आप अपनी बच्ची से भी ज़्यादा अजीज रखें। अल्लाह के वास्ते ये काम तो आप ऐसा करें यार, प्लीज। वैसे अगर जो आपने बात की बहुत अच्छी बात की, जहेज पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए मुकम्मल, होना ही नहीं चाहिए, चाहे अपनी मर्जी से देना चाहे भी ना दे मर्जी से भी ना देने दिया जाए, तब इस पे इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। हाँ, फिर हो सकती है। और दूसरी बात है, फिर उस शोहर को भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी का एहसास हो सकता है कि भाई मैंने सारी चीजें खुद प्रोवाइड करनी है, वो मशीन खराब हो गई तुम्हारी माँ ने दी थी, इसके तो बखिये उधड़ रहे। सही बात, ये होता है ना, माँ की दी हुई चीजों को ऐसे फेंकते उठा उठा के बाहर। नहीं, आजकल तो ये हालात है कि बच्चों को भी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ये जो अब तो जो खवातीन अनफॉर्चुनेटली रो धो रही हैं, वो इससे नहीं रो रही हैं कि उनकी शादियां नहीं हुई हैं या उनको जला दिया गया या जहेज की वजह से कोई मसला हुआ। अब तो ये हाल है कि चंद साल गुजर गए, 10-12 साल गुजरे, 3 बच्चे हुए, मियां गायब, अब तुम ही पालो। कहाँ गया? कहीं ना कहीं वहां भी कोई औरत है, वहां भी कोई औरत है। तो औरत का प्रॉब्लम है ना, फिर मर्द तो बेकसूर हो गया ना। हाय बेचारा है ना। इम्तियाज भाई खुद सोचिए। हाँ, सही बात कह रहे हैं। एक औरत जब नहीं औरत का लिहाज कर रही तो मर्द क्यों, आदमी काहे के लिए कर रहा है। और मर्द इतना बड़ा हो गया बेचारा, और उसको अभी तक अपना आप ना संभालना ना आया, ना बच्चे संभालने आए, ना बीवी संभालने आई। ये भी सही बात है। सही है ना। और दिन हजरात, क्योंकि बातें सब सही हो रही है, बात उनकी भी सही है, बात मेरी भी सही है, बात इम्तियाज भाई की भी ठीक है, हम सब सही है, मगर हम सब गलत भी हैं। हम सब सही हैं और हम गलत भी हैं, लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं कोई गलती है। उसको बैठ के सोचिए, आधा मिनट एक मिनट आपको दूंगा सोचने के लिए, अपने घरों में सोचिए, बच्चियों वाले ज़्यादा सोचें। हिना हमारे साथ हैं और ये इस वक्त ऐसी जगह पर कुदरत इन्हें ले आई है जहाँ ये प्रॉब्लम के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो डेफिनेटली लोगों पर कोई ना कोई असर होता है। शायद मुझ जैसे आदमी का कोई असर ना हो क्योंकि मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन ये बहुत नेक काम कर रही हैं, और एक खातून होने के नाते बड़ी नाजुक और बड़ी नज़ाकत से और बड़ी बहुत बारीक लम्हात से गुजरती हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज भी फरमाए, इनके मकसद में कामयाब करे, और अल्लाह हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। हमारा मकसद है कमर्शियल ब्रेक लेना, और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। कमर्शियल लेना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे सांस लेना। तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं हिना और इम्तियाज भाई के साथ, हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जब हम गए थे ब्रेक पर तो हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा हिना ख्वाजा बयात और जनाब मोहतरम इम्तियाज शेख साहब। आप एक शादीशुदा खातून हैं माशाल्लाह, और इंडस्ट्रियल डिजाइनर हैं, डिजाइनिंग आपने किया। अब तो कहूंगी थी आप। अच्छा, आप एक्ट्रेस थी, इंडस्ट्रियल एक्ट्रेस बनने जा रही थी, उसके बाद आप थी बहुत है आपके साथ। था कहाँ है? था इस वक्त मेरा ख्याल है घर पे है। था जी, मैं तो उनको कहूँगा था जी घर पे है, बिल्कुल घर। अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने कभी कंप्लेन की उलझन सुलझन में कि यार मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन मेरी बीवी है, दूसरों के मसले सुलझाती फिर रही है, मैं घर में बैठा हूँ, कभी कैंपों में जा रही है, कभी थानों में जा रही है, कभी अदालतों में जा रही है, और मैं घर में बैठा हूँ कि वो कब आएंगे खैरियत से वापस। ऐसा भी होना चाहिए ना, फिक्र तो करते होंगे, ऐसा तो होना चाहिए ना, कोई ऐसी टेंशन होनी। मेरी उलझनों को कौन सुलझाएगा? अच्छा आप मुझे बताएं अपनी उलझन। मैं आपको पूरा मुसव्वदा भेज दूंगी, पढ़ लीजिएगा। मुसव्वदा को छोड़ें, आप फौरी तौर पे एक उलझन बताएं अपनी। एक उलझन बताओ। एक उलझन बताएं जो आपकी अपनी जाती है। मेरी जाती? हाँ। नहीं, मैं अपनी बहुत भूल चुकी। मैं जब इतनी सारी परेशानियां, अपना पर्दा नहीं खोलना, दूसरों के यहाँ क्या हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, क्या हुआ था, है बहन इंशाल्लाह तुम देखना इस आदमी का तो हश्र। मेरा ख्याल है उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनको वक्त के साथ साथ एक रियलाइजेशन हो गई है कि इतनी जो परेशानियाँ मेरे सामने आती है ना, मैं कहती हूँ मेरी तो कोई है ही नहीं।
अच्छा उन परेशान औरतों को देख के आपने ये सबक सीखा कि ये तो मेरा मियाँ तो फरिश्ता है, मेरा मियाँ तो फरिश्ता है, वो अब सजदा जायज ही वरना शायद कर भी लेती। इन सारे मियाओं के सामने मेरा मियाँ माशाल्लाह नजर ना लगे, प्यारा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जी रॉजर दाऊद बयात। रॉजर वो आधे अंग्रेज हैं और आधे देसी हैं, तो इसलिए दो नाम हैं। आधे अंग्रेज हैं और आधे देसी हैं जी। कैसे देखे ना आप, आपका तो ये जिंदगी भी कितनी मजे की हो गई, अंग्रेज के साथ भी गुजार रही है और अपना आदमी भी है। अच्छी लाइफ है। कहते हैं ना द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है माशाल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। देखिए पुरसुकून जिंदगी है तो आपको दूसरों की परेशानियों का ख्याल आया, वरना अपने परेशानियों में घिरा हुआ आदमी कहाँ सोचे, वो तो नहीं कर पाता, कहाँ अफोर्ड कर पाता है कि वो निकल के। परेशानियां होती है लेकिन अपने पे मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। नहीं आपकी परेशानियां वो वाली नहीं होंगी ना, आपको देख के लग रहा वो परेशानी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ हम कि बहन इस दफा कमेटी निकल जाए तो बच्ची के हाथ पीले कर दी, वो वाली परेशानी नहीं है। मैं तो उन लोगों में से मैं कहूंगी खबरदार जो किसी ने जहेज का नाम लिया, ना देना ना लेना, तो फिर कमेटी कौन फिक्र करे, मैंने वो फिक्र ही नहीं पाली ना। सही बात, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिजाइनिंग किया आपने, सब कुछ किया, किस किस्म का म्यूजिक एंजॉय करती हैं आप रिलीफ के लिए? एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। अगर किसी औरत को थाने से छोड़ा के लाइए क्या सुनेंगी आप? उस वक्त तो कुछ हंसी खुशी वाला सुनूंगी ताकि जरा जहन जो है वो थोड़ा सा तरोताजा हो जाए। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबंदी। मैं नूरजहां के गाने सुनूंगी। एक्टर एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको यहाँ पाकिस्तान में? हाँ मुश्किल सवाल कर दिया आपने। क्यों, फिल्मों की बात करें टीवी की बात करें? टेलीविजन की फिल्में कहाँ बन रही हैं? उनको तो एक सिनेमा है, देयर इज नो चॉइस। ये तो दुख की बात है क्योंकि जो फिल्म का मैजिक है ना, जो वो बड़ी स्क्रीन का जिसे मैं कहती हूँ जादू है। फिल्म का शौक है इसका मतलब? बहुत शौक है। काम करेंगी फिल्म में? अच्छी फिल्म होगी तो। अब कोई तो कंडीशन होनी चाहिए ना, अब ये थोड़ी कि फालतू में थोड़ी पैसे। नहीं फालतू फिल्म नहीं, फालतू फिल्म तो कोई बनाता ही नहीं, फालतू पैसे किसके पास है पता नहीं, फालतू होंगे नहीं पैसे उनके पास, लेकिन फिल्में बहुत फालतू होती हैं। आपको अच्छी फिल्म में कास्ट किया जाए तो आप काम करेंगे? ऐसी पिक्चर जो खवातीन के ऊपर बेस की हुई हो? नहीं ऐसी पिक्चर जो इंसानियत के ऊपर बेस हुई हुई हो। तो खवातीन इंसानों में ही तो मर्द भी तो है ना, उनको ऐसे ही मुझसे क्यों नाराज करवा रहे हैं? नहीं मर्द ही तो बनाएंगे, फाइनेंसर तो मर्द ही है, मरेगा तो वही अगर फिल्म फेल हुई। ये भी सही है। आप तो मुस्कुरा के टिश्यू पेपर से साफ करके भाई मैं क्या करूँ, फेल हो गए मैं क्या करूँ। तबाह तो वो होगा बेचारा जिसका नाम आदमी है। ये सारी बातें तो चलती रहती हैं, मैं और तो मर्दों की बातें करता ही रहता हूँ, लेकिन आज क्योंकि आपके आने से ये इशू ज़्यादा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, हम उन्हें क्या इम्तियाज़ भाई, हम क्या उन बच्चियों को जो 6 साल 7 साल की बच्चियाँ जो हैं, अगर इन बच्चियों के साथ ज्यादती होती है तो हम उन्हें क्या शक्ल दिखा रहे हैं आने वाली अपनी अपनी नस्लों की, अपनी जनरेशन जो आएगी उसे वो क्या फेस करेंगे वो लोग, वो क्या इमेज लेके बड़े होंगे या बड़ी होंगी? क्या आप समझती हैं ऐसे बच्चों को कैसे हम जहनी तौर पे संभालेंगे और जिस्मानी तौर पे हम उन्हें कैसे रख सकेंगे, मतलब ये कि फिटनेस उनकी नहीं रहेगी मेंटली और फिजिकली? आई थिंक उमर भाई हकीकत तो ये है कि सिर्फ बच्चियां नहीं बच्चे भी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लड़के लड़कियां सब, और इसका एक ही हल है और कुछ नहीं है, और वो है अच्छी और मयारी तालीम। अच्छे अदीब, अच्छे शायर, अच्छे लिखने वाले, अच्छी किताबें, अच्छी तालीम, अच्छा तालीमी निज़ाम, आसान तालीमी निज़ाम, आसानी से मैसर आने वाली तालीमी सहूलतें, और वो स्कूल जिसमें इक्वल हों सारे पढ़ने वाले बच्चे। मेरे बच्चे के पास कोई और किताबें ना हों, इनके बच्चों के पास कोई और किताबें ना हों, इनके बच्चों के पास कोई और किताबें ना हों, हम सब के बच्चों के पास एक ही किताबें हों, हमारे सब बच्चे एक ही रंग के स्कूल में पढ़ें, एक जैसा पढ़ें, एक सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें वतन परस्ती, कौमियत और मुल्क से मोहब्बत का सबक हो, और वो तालीम याफ्ता होकर दुनिया में जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके लिए बड़ा 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 ज़रूरी है उस निज़ाम को लाना
जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, जिस निज़ाम के ऊपर वर्क कर रही हैं हिना, जिस निज़ाम के ऊपर वर्क कर रहे हैं इम्तियाज़ भाई, या गवर्नमेंट सिंध, या गवर्नमेंट पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट बलूचिस्तान, गवर्नमेंट सरहद, हम सारी गवर्नमेंटों को चाहते हैं कि वो सब एक अपने आपस में एक कोऑर्डिनेट करें और ऐसा तालीमी निज़ाम राइज करें इस मुल्क के अंदर कि कोई भी बच्चा जो है ना वो अनपढ़ ना रहे, क्योंकि जहालत बहुत ख़तरनाक हथियार है ख़ुद उस बच्चे के लिए, और वही कि आखिर में वो बच्चा उस तालीम ना होने की वजह से कोई भी ख़तरनाक रास्ता इख्तियार कर सकता है। तालीम उसे रोक लेगी उस रास्ते से। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को उस रास्ते पे जाने से रोकें और स्कूलों के रास्ते पे मोड़ दें, और हुकूमत उनका साथ दे, उन्हें मुफ्त तालीम दे और सेहत के अंदर हम काम करें। सर, मैं बहुत मशहूर हूँ इम्तियाज़ भाई आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने वक्त निकाल कर मेरी बात सुनी और हमें बहुत सारी बातों के जवाब दिए, है ना जी। बहुत ही मैं आपका मशहूर हूँ। आप जैसी खातून जो आप काम कर रही हैं, रियली मेरा दिल करता है मैं आपको सल्यूट करूँ, रियली सल्यूट करूँ। सो नाइस यू, आप तशरीफ़ लाए। हाथ नजाद हमारे दोनों मेहमानों के लिए बहुत बड़ी मोहब्बत भरी थालियाँ।